हेलो फ्रेंड्स, आई एम प्रोफेसर तन्मय गोरखनाथ होन। स्वागत करता हूँ मेरे चैनल में। ये हमारा सेवेंथ क्वेश्चन है इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का। टू फोर्सेस आर शोन इन फिगर। तो एक दो फोर्सेस दे F1 एंड F2, हमें उसका रिजल्टेंट निकालना है। तो यहाँ पे एक ऑलरेडी एक बार दिया है एंड यहाँ पे फोर्स F1 दिया है एंड ये फोर्स F2 दिया है। इसका एंगल दिया है, इसका एंगल दिया है। जैसे हमें रिजोल्व करना है तो हमें बस एंगल पता होना चाहिए एंड उसका एक्सिस अगर हमें निकालना आता है तो प्रॉब्लम इज़ वेरी इजी। तो अगर इसको हम रिजॉल्व करेंगे तो क्या होगा, सिंपल है। 3 किलो न्यूटन, एंगल 30 है, तो ये होगा 3 cos 30, ये होगा 3 sin 30। अगेन ये F2 जो 7 किलो न्यूटन एट एंगल 45 डिग्री था, तो ये होगा 7 cos 45, ये वर्टिकल होगा 7 sin 45। काम खत्म। f(x) यूज करो, x मीन्स हॉरिजॉन्टल फोर्स लेने हैं, माइनस 3 cos 30 एंड ये इधर राइट साइड जा रहा है, ये प्लस आएगा। सॉल्व करने के बाद 2.35 आ रहा है। सिमिलरली f(y) ले लो, वर्टिकल फोर्सेस अपवर्ड जा रहे हैं तो पॉजिटिव, नीचे आ रहे हैं तो निगेटिव, नीचे आ रहे हैं तो निगेटिव आएगा। सॉल्व करो, इतना वैल्यू आ रहा है। रिजल्टेंट का फॉर्मूला अंडर रूट समेशन f(x)² प्लस समेशन f(y)². सॉल्व करो, विल गेट r 4.16। यूनिट लिखना है हमेशा किलो न्यूटन। एंड थीटा टैन थीटा समेशन f(y) अपॉन समेशन f(x). रिजॉल्व करो, टैन इनवर्स ले लो, विल गेट थीटा 55.6 डिग्री। तो ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।